मन पलपना दुर्मति तू
श्री दरिया जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, महाराज ऐसे संत फरमावे के भाग जाने संत पावना आवे। अरे कोई ने घरे संत नहीं, हरे कोई ने घरे महाराज संतान को आड़ अतिथि लोगों को आड़ नहीं, हर एक लोग सत्संग भी नहीं सुन सकते, हर थोड़ी सुन ये तुलसी पुरबला पुण्य बिना हरि चर्चा नहीं सुहा, जैसे जुड़े ताव की भोजन की रुचि। कोई आदमी ने ताव छड़ी हो गए, माता के मेरी भोजन कर रहे, दूध पीने के दूध ही बाड़ो ना गए, अब दूध बाड़ो थोड़ी और मैंने ताव छड़ियों है, तेरी कानों को दूध के स्वादिष्ट नहीं लगा, अब दूध में कोई कमी नहीं है, मैंने ताव छड़ियों है मारा। ऐसे कोई पूर्व जन्म राजा ये पाप कर्म और जो लोगों के ताव छड़ियों है, मैंने सत्संग अच्छा किया, मैंने संतान के प्रति कोट नहीं है, अरे खूब जाकर जावा। अभी एक दिन नहीं जगह सत्संग में किया और मत बोला है, अब मां को काम है भाई सत्संग कर बोला कि चलो सत्संग कर लाओ, गीपरा में घड़ी दो घड़ी सत्संग भी में जाए, पेट का बेटी बाजा दिलाई दे घड़ी दो घड़ी सत्संग, अब मान लो गरो धन मिल ही गई कोई ने नहीं उनकी बाप जी आओ साहब पधार लो पेट भर मार घर से आया, एड़ा कर्म नहीं लोग की है मारा। अब जो महाराज बताओ भाई नहीं कोई श्रद्धा नहीं कोई भाव नहीं, परमात्मा री महापुरुषा की कृपा की लोगा मत वे कि साधु सी है का एक मता जो जीवित ही तो खाए भावहीन मृतक दशा दिन के नीत नहीं आया, सिंह है जी को मृतक मट्टी में नहीं खाए। ऐसे ही जो महाराज मरियोड़ा है उन्हें एक भाव ही श्रद्धा नहीं है भाव नहीं है तो जीवित जीवित ही मृतक है समाज बावी मर्तक दशा दिन के निकट नहीं जाए, बाव है जी का लोग जीने के बाव नहीं है वे मर्तक है माता, राम राम थोड़ा ही करो पर भाव के साथ में करो, अपने पास में धन कम है धन में परमात्मा चाहे कमी लगाओ पर भाव के साथ में लगाओ, मेरे संत आवे तो भोजन चाहे घर में कैसे ही है पर भाव रे साथ में जीवाड़े, धन्यवाद है वे लोगों ने महाराज श्री तो वाणी में लिखियो कि मारा ये भाग गए प्रथम लाभ चरणामृत लेके जे कोई शीश निभावे कोटि पितृ फल सेजा घर बेटा ही पावे, संत आवे तो प्रथम प्रणाम करे शीश आप लोग झुकावे, संता सब कुछ अपने जीवन में काम आने वाली बात पूछे तो मारा अपने के कोटि तीन किलो फल से और घर बैठा ही पावे, संत जुटी नहीं के लिए भाई परंतु संत का वचन तो अटल है, जे माने विश्वास विश्वास के अंदर हरि नहीं मिले तो जूता है पलटू का पलटू, हम तीर्थ चले बीच में मिल गया संत एक मुक्ति की खोज में मुक्ति मिली अनंत, संत आए सत्कार करियो आदर करियो प्रणाम करियो तो महाराज जी तीर्थ तो चरण में रहे, ऐसे ही संता की वाणी फरमाया के महाराज काम क्रोध मद मान कल्पना दुर्मति दूर हटावे राग के इस पर निंदा दज के सच उपदेश दिखा, संत जिगाने जाने जा मैं गदा लोगा हमारा अच्छी ही बात बता, कोई संत आ सकती हो कि झूठ बोलो निंदा कर, संत आई गई भाई राम का परमात्मा के कार्य कर, एक नगरी में कोई संत जुड़ी नहीं गया जोड़ी लगा दिया जरा महाराज के बेटे
घर घर जाता सब जो कुछ दियो सुनता एक गृहस्थ के घर गया कि बोलो भिक्षा दे तो घर में छोटी बच्ची निकली क्यों महाराज माता पिता तो कहता क्यों ना है की देव ने है तो संत क्यों भाई की नहीं है देव ने तो एक घर मारी जोड़ी में तू एक मोटी रेत ले के रेत भी डाल कर संदे ना ने एक मोटी हिरी की रेत संता की जोड़ी में डाल संता कर रहा अब चेला रे मन में आई रे कि तो अच्छो भोजन बना रहा सब कोई रोटी दीवी कोई सब्जी दीवी कोई मिठाई पर सती में रेत कैसे गुरु महाराज आप बात समझ में नहीं आई तो गुरु महाराज कहते आ छोटी बच्ची और ये पहली बार घर में गियो और ये पहली बार इन्हें मांगनो ये काम पड़ियो इन्होंने कोई चीज मांगी और पहली बार ही ना दे देती तो इनमें नटना संसार समझे आज आज गुरु दियो काले राम जी की कृपा करी तुम्हारा दान दे परसों आटो दे हेल्दी रोटी बनाई दे पर देव ना संस्कार तो जमिया देव ने दी थी संत आवे घर तो महाराज अच्छी शिक्षा अच्छो उपदेश जिका कर संतान का वे घर तो महाराज जरूर जरूर अच्छा संस्कार वांग दे भगत गणी सज्जन गणी क्योंकि महाराज ने कि सदगुरु के संग सुमरण करसी साधु संगत मन भावे जैसो संते सो रंग लागे वेद संत यूं गावे गुरु महाराज ने साथ में रे राम भक्ति करी सेवा करी तो महाराज जैसो संग में